नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आज यूपी के बरेली में मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा ने हुकूमत की कार्रवाइयों पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रेन चलाने वालों की बात सुनी जा रही है, वे ट्रेन जलाने वाले नहीं हैं, इसीलिए उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। इस मौके पर तौकीर रजा ने पूछा कि आखिर ट्रेन जलाने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। बरेली के इस्लामिया कॉलेज मैदान में हुए मुजाहरे की क्यादत तौकीर रजा ने की, जहां पर 1500 लोगों की मंजूरी के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का, हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम ट्रेनें नहीं जला रहे इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली, ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो? हम पर लानत है,